ये देखो यार, ये ना मैंने मिस्त्री टाइप हायर किया है। ये अलमारी के थोड़े से लकड़ी के मसले हल करने थे, ये पाइपिंग चेंज करवानी थी, ये थोड़ा सा ना ब्लॉकेज आई हुई थी, ये बटन चेंज करवाना था, शॉर्ट सर्किट हो रहा था, तो मसले हल करने के लिए प्राइवेट बुला लिया मैंने बंदा। ठीक है, मिस्त्री टाइप, थोड़ी सी प्लम्बिंग चाहिए, थोड़ी कारपेंट्री चाहिए, थोड़ी सी इंजीनियरिंग चाहिए, थोड़ी सी इलेक्ट्रिशियन ही चाहिए, वो सारा कुछ। ये बंदा सुबह 9 बजे से लगा हुआ है और अब देखें क्या टाइम हो गया, 2:30 बजने वाले हैं। अभी ये थर्मोस्टैट लेने गया तो इसको आते आते 5 बज जाने हैं, फिर इसने 6 बजे तक काम करना है यहाँ पे। इसने मुझे कहा 3 घंटे और लगेंगे सर, आप टेंशन न लें। मसला ये है, मैं सुबह से इस घर में वेट कर रहा हूँ कि जनाब ये बंदा मुझसे पानी का ग्लास मांग ले, मेरे से चाय मांग ले, चलो मेरे से कुछ सिगरेट मांग ले, अगर सिगरेट नहीं मांग रहा सिगरेट की ब्रेक ही मांग ले अगर खुद लेके आया सिगरेट। मजाल है मैंने इस बंदे के प्रोफेशनलिज्म में कोई काटा वादा देखा हो? ये बंदा इतना अनोइंगली प्रोफेशनल है कि मुझे गुस्सा आ रहा है कि ये इतना अच्छा काम कर रहा है और जितने घंटे इसने कहा ये उतने घंटे ले रहा है, और टाइम पे भी आ गया, टाइम पे चला जाएगा और काम भी अच्छा कर रहा है, मुझे चेक करवा रहा है साथ साथ। ये मुझे अनॉय क्यों नहीं कर रहा है? मुझे इस बात से अनॉयंस हो गई है कि मुझे अनॉय क्यों नहीं कर रहा। ही इज लिटरली नो फन ब्रो, इट्स नॉट एक्साइटिंग कि इससे काम करवाया जाए, कुछ सोशल लाइफ में एंगेजमेंट नहीं हो रही। बात यह है कि कोई पहली दफा नहीं मैं किसी मिस्त्री से काम करवा रहा लाहौर के अंदर। हमारे ना घर का सेहन खराब हो गया, सेहन की चिप्स नहीं डलवानी थी, फर्श नया डलवाना था। अब मसला यह है कि मिस्त्री बुला लेते थे हम, वो मिस्त्री 3-4 घंटों में 16 लीटर हमारी चाय पी जाते थे, हर 15 मिनट बाद बाजी चाय हो जाए, कप बाजी एक कप चाय हो जाए, वो चलते थे पेट्रोल था उनका, तो चाय मुकदी से फिर समोसे ले आओ बाजी थोड़े जे, तो समोसे मुकदे से फिर जलेबियां, फिर जलेबियां तो फिर एक होर कप चा, फिर वही साइकिल जलेबियां थे समोसे, फिर चा फिर चा फिर चा। दूध वाले का उस एक हफ्ते में इतना बिल आ गया जितना पूरे साल में नहीं आया यार हमारा। अजीब, सारी पत्ती का डब्बा खत्म कर दिया उन्होंने हमारा एक ही दिन में। भाई तुसी अपना काम करने आए हो, तुसी बेबे ते वलीमे ते आए हो, और काम भी लटकाते रहते थे, 2 घंटे का काम जो है 6 घंटे में करते थे, और फिर कहते थे अभी भी रह गया अगले दिन दोबारा आएंगे, दिहाड़ी ताकि ज्यादा मिल जाए कल की भी उनको। मेरे नाना बू ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी कि मिस्त्रियों के साथ खड़ा रहो, इनको चाय चाहिए होगी चाय बना दो, और मैं भाई साहब अपना स्कूल का होमवर्क छोड़ के, अपने सारे काम छोड़ के, दोस्तों को छोड़ के, मैं ना सेन में मजदूरों की टुहियां देख रहा हूँ जो कि झुक के ना वो नंगी करके फर्श पे सीमेंट लगा रहे हैं, और पीछे ऐसे करके कहते हैं भजन चाय चाय तो ला दे बाजी से, कह चाय ला दे। मैं और मेरी बहन है ना किचन के अंदर सॉस पैन ही मांजते रहते थे, क्योंकि चाय चूल्हे वाली बनती थी, केटल तो होता ही ना, अगर हम गरीब लोग थे तो चूल्हे वाली चाय बनाते थे। उस दिन अपन रात 2 बजे तक बर्तन धोए, इतने कप गंदे किए उन्होंने, इतने कप गंदे किए, फिर सिगरेट का धुआं पूरे घर में फूकी जा रहे हैं, सीमेंट लाई जा रहे हैं फर्श थे, दिमाग खराब हुआ अपना जी, सेन बन रहा है सेन बन रहा है, इतना खिलारा डाला मिट्टी और मिट्टी कर दिया हमारा घर। अब इस बंदे ने मुझे कहा कि भजन आप टेंशन न लें, जब मैं जाऊंगा ना मैं अपना वैक्यूम हूवर साथ लेके आया हूं, ये जितनी मिट्टी गिरी है मैं आपको साफ करके दूंगा। उस बंदे ने अल्लाह की कसम, उस बंदे ने अपने ना पाओं के ऊपर वो ना हॉस्पिटल वाले वो नहीं होते कवर, शूज कवर जो हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर पहनते हैं, वो पहना हुआ, मुझे लग रहा है वो किचन में कुकिंग कर रहा है। सर पे भी उसने वो पहना हुआ है लफाफा सा, वो जो हम सर्जन नहीं पहनते हैं, ये मिस्त्री ने पहना हुआ है। इतनी कभी क्या कंसिडरेशन, इतना भी क्या प्रोफेशनलिज्म कि तुम मिस्त्री के लेवल से ही ऊपर चले गए हो, तुम मेरे लिए मैं अब्बू हो मेरे, तुम्हारे लिए मेरे दिल में इतनी इज्जत क्यों बढ़ रही है, तुम सिर्फ मिस्त्री हो भाई। ते साडे मिस्त्री सारा दिन काम करके को 20-25 समोसे खा के, को 50 लीटर चाह पी के, 7 किलो जलेबियां खा के, काम भी करना थे फजूल ही काम करना, काम भी अच्छा नहीं करते थे, टाइम भी जाया करते थे। उनके जाने के बाद जब सेन बन गया ना, मैंने सेन पे ना डांस करके देखा, तो मेरी बहनों ने मुझे बताया कि भाई आप जिस आंगन में डांस कर रहे हो वो आंगन टेढ़ा है, तो तब वहां से कहावत इन्वेंट हुई थी लाहौर में कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। क्यों? क्योंकि मिस्त्रियों ने काम ही ठीक नहीं किया, फर्श ही टेढ़ा बना दिया, और पानी की स्लोप जहां जानी थी गटर की तरफ वो घर के अंदर आ गई, घर के अंदर पानी जमा होता था जब फर्श धोते थे हम, तो शाम न होना जान तो बाद असी ओ फर्श तो ना असी ओ सफाइयां करनी, मैं वेपर फेर रहा हूँ, बहन फर्श धो रही है, अम्मी झाड़ू मार रही है, डस्टिंग कर रही है, एक बहन अब्बू काम से वापस आए हैं, वो मिस्त्रियों के जूतों के निशानों की जो मिट्टी थी वो सरफ से उतार रहे हैं फर्श से, पूरा घर मासी बन गया उनके जाने के बाद, इतना गंद डाल गया यार। ये वखरा यूके का मिस्त्री है यार। अभी को बाजार से पुर्जा लेने गया ना, मैंने पूछा भजन आप को मैं चाय बना दूं, चाय बना दूं कैटल में चाय, कहता नो ब्रो आई एम ओके। मुझे शर्मिंदगी और खुशी से आंसू आ जाएगा यार, मैं अपना काम भी कर सकता हूँ, वो दूसरे कमरे में बैठ के मुझे तंग ही नहीं कर रहा है, मैं उसके साथ खड़े होकर सर पे खड़े होकर काम भी नहीं करवाना पड़ रहा। इतनी इंडिपेंडेंस तो हमारे पूरे मुल्क को 1947 में नहीं मिली थी यार जितनी मुझे मिल गई आज। ये जरूर गड़बड़ कर रहा है, एंड पे आके मेरे साथ स्कैम हो जाना मुझे लग रहा है। इट्स टू गुड टू बी ट्रू, ही इज टू नाइस एंड प्रोफेशनल टू बी ट्रू। मैंने पुत्र इसकी कंप्लेन कर देनी है, इसको मैं बताऊंगा कि ये मिस्त्री वाली सर्विसेज देने के बजाय मुझे अपना बचपन का
पेनफुल नॉस्टैल्जिया दे गया यार। इसलिए मैंने बताना था कि पाकिस्तान में रह के ना वहीं पे अपनी प्रॉपर्टी बनाए, उसी को ठीक करवाते जाए, मिस्त्रियों को पैसे दे के उनके साथ टाइम गुजारे, गप शप लगाए, अपना भी टाइम जाया करें, उनका भी जाया करें। अगर यूके में आके किसी ब्रिटिश मिस्त्री को हायर करके प्रोफेशनल और बोरिंग तरीके से काम करवाना तो फिर इधर ना आना यार।